अब तक हमने मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। उससे पहले एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो आपने क्या देखा, लाइब्रेरी में ऑल बुक्स आर मिक्स्ड, सभी बुक्स मिक्स हैं, आपको एक एक को सिलेक्ट करना पड़ता है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहती हैं? यस, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया गया है। जैसे आप जाएँ साइंस सेक्शन की तरह उस साइड है, ठीक। अब साइंस में जाने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की तरह दोनों तीनों सब्जेक्ट अलग अलग मिलेंगे। बायो में फिर जूलॉजी इधर है, बॉटनी इस साइड है। तो हमने क्या किया है, इनको कैटेगराइज किया गया है, क्यों, ताकि हमें ढूंढने में दिक्कत ना आए, हमारा टाइम बचे। तो इसी तरह मटेरियल्स जिनकी हमने अभी डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनमें सिमिलरिटीज भी हैं, और ये सिमिलरिटीज हो सकती हैं उनके कलर के बेस पर, उनके कैरेक्टर्स के बेस पर, साइज, शेप। सो द थिंग्स विच आर सिमिलर इन वन और मोर कैरेक्टर्स हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स को अरेंज किया गया है, कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर्स और अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यही प्रोसेस एनिमल्स में भी यूज होती है। वो एनिमल्स जिनमें विंग्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, बर्ड्स। तो द एनिमल्स विच कैन फ्लाई दे कॉल बर्ड्स, उनको बर्ड में रखा गया है। द एनिमल्स विच क्रॉल, जो रेंग कर चलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। एंड द एनिमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड, जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती हैं, जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, एंड द एक्सटर्नल ईयर, जिनके एक्सटर्नल ईयर होते हैं, दे कॉल्ड मैमल्स। तो ठीक इन लिविंग बींग्स की तरह ही इन एनिमल्स को जिस तरह ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ठीक उसी तरह नॉन लिविंग बींग्स मटेरियल्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं। ऑन विच बेसिस, ऑन देयर सिमिलर कैरेक्टर्स, उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पर उनको क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा किचन में जो हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं, लाइक प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, उनके जो हैंडल होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं, स्टील के, कॉपर के, या फिर प्लास्टिक के और वुड के? यस, प्लास्टिक, रबर या फिर वुड के हैंडल बने होते हैं। व्हाई एंड व्हाई ऑल कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल? आपने कभी देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होती हैं उन पर हमेशा जो वायर है वो कॉपर की होती है, लेकिन जिनके ऊपर आउटर कवरिंग होती है वायर के चारों ओर रबड़ की कवरिंग होती है, क्यों की जाती है वो कवरिंग? द आंसर इज सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स ऐसी होती हैं विच कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स अगर वो हीट के कॉन्टेक्ट में आ रही हैं तो वो हीट को अब्जॉर्ब करती हैं, हीट को कंडक्ट करती हैं और गर्म हो जाती हैं। उन्हीं में से अगर आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हो तो वो करंट को पास करती है। दीज मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड कंडक्टर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं। कभी आपने देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लग होता है उसमें कहते हैं स्विच बोर्ड के अंदर कि इसमें पिन मत डालना, आयरन नेल मत डालना, नहीं तो करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन एक मेटल है और वो करंट को पास करेगा और वो करंट उस बोर्ड से आपके अंदर आएगा। सो ऑल मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट। ये हीट को क्या करती हैं, पास करती हैं, कंडक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं। सो दे कॉल कंडक्टर। सो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स एंड गिव एनी टू एग्जांपल, तो क्या लिखोगे, द मटेरियल्स व्हिच कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी दे कॉल्ड कंडक्टर्स। नेक्स्ट इज इंसुलेटर, बिल्कुल इसके अपोजिट, द मटेरियल्स विच डू नॉट पास कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी दे कॉल्ड इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल वुड और प्लास्टिक। अब समझ में आया जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो मेटल के बने होते हैं ताकि जैसे ही आपने फायर पर रखो वो हीट अप हो और जो उनके अंदर सामान है, जो हमारा फूड है, वो जल्दी से कुक हो जाए, और उनके जो हैंडल हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं ताकि उनमें हीट ना हो और हम उनको ईजीली हम फायर से आग से हटा सकें। क्लियर?